खोरीबाड़ी में एक 10 वर्षीय आदिवासी नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद आज पीड़ित परिवार से अलीपुर द्वार के भाजपा सांसद जॉन बरला ने मुलाकात की। सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत खोरीबाड़ी में एक 10 वर्षीय आदिवासी नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर इलाके का माहौल काफी गर्म हो गया है। नाबालिगा के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय युवा तृणमूल नेता उज्ज्वल सरकार ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया है। इस संबंध में परिवार वालों ने खोरीबाड़ी थाने में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ नाबालिगा को तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। आज अलीपुर द्वार के भाजपा सांसद जॉन बरला नाबालिगा के परिवार से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं पीड़ित नाबालिगा के परिवार के पास खड़ा होने आया हूं। इसके अलावा उन्होंने आरोपी को सजा देने की मांग की है। आज के मेडिकल आसमी जे हमारे एक आदिवासी 10 बच्चर मे रेप हो देखा करार्जन आसलम और ये सुपार साथ देखा कर चाचलम क्योंकि उनार साथे देखा है ना उन्नी एख बाहर हो गए हतो ये पलिटिकल हे और से हमी आखने टेर पे तेजे अन्य इश्यू बनाए एक मीटिंग आसे बोले चले गल और आमी देखलाम आमी पेशेंटर मार साथे जे कल्पे साथे देखा करलाम देखार परे आमी ओदेर साथे कथा बोललाम कथार परे मेयो बोलले तीन दिन थेके तीन दिन आमाके एइभाबे करेछे तारपरे मार साथे जखन कथा बोलछि मा एकदम साइलेंट हये गेछे पूरा भय पाए गेछे आमी देखछि ना पिछने थेके केउ ना केउ आछे एदेरके थ्रेडिं दिये देवा हच्छे तई जोन्ने একদম আমার ওই মেয়ের মা কিছু একটা কথা বলছে না একটাও কথা বলল না এখন আমি ডক্টর বি ঘোষকে দায়িত্ব দিয়েছি উনি টোটাল রিপোর্টটা হ্যাঁ এখানে ডক্টর উনি রিপোর্ট নেবে নেওয়ার পরে আমাকে করবে তারপরে আগামী দিন কী করার আছে আমরা নিশ্চিত করবো যদি পুলিশ যদি এটা এই কেসটাকে যদি ঢিলা দেয় আগামী দিন কিন্তু আমরা ছাড়ব না।